आज हम जावास्क्रिप्ट में सिंक्रोनस एंड असिंक्रोनस ऑपरेशन में डिफरेंस क्या है और वो कैसे वर्क करते हैं ये समझेंगे। जावास्क्रिप्ट ये सिंक्रोनस ब्लॉकिंग एंड सिंगल थ्रेडेड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। मींस जावास्क्रिप्ट इंजन हमारे प्रोग्राम को सिक्वेंशियली एक के बाद एक जैसे हमने प्रोग्राम लिखा है वैसे ही एग्जीक्यूट करता है। मींस वन लाइन का एग्जीक्यूशन पूरा कंप्लीट होने के बाद ही नेक्स्ट लाइन एग्जीक्यूट होती है। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट लाइन में कंसोल किया है हेलो जावास्क्रिप्ट, सेकेंड लाइन में फॉर लूप है जो कि 5 टाइम्स हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करेगा, उसके बाद फिर कंसोल किया है गुड मॉर्निंग। तो यहाँ पर पहले फर्स्ट लाइन एग्जीक्यूट होगी, हेलो जावास्क्रिप्ट प्रिंट होगा, उसके बाद फॉर लूप चलेगा। जब तक फॉर लूप एंड नहीं होता तब तक ये लास्ट वाला कंसोल वेट करेगा। लूप एग्जीक्यूशन एंड होने के बाद ये अब जो गुड मॉर्निंग वाला कंसोल है वो एग्जीक्यूट होगा। तो देखो कंसोल टैब में एक के बाद एक तीनों लाइंस सीक्वेंस में प्रिंट हुई। इसे सिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट कहते हैं। अब देखेंगे असिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट। असिंक्रोनस ऑपरेशन मींस ये नेक्स्ट लाइन के एग्जीक्यूशन को स्टॉप नहीं करता। ये करंट लाइन का एग्जीक्यूशन पूरा कंप्लीट नहीं भी हुआ होगा तो भी ये नेक्स्ट लाइन का एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर देता है। अब असिंक्रोनस का एग्जैक्टली यूज़ क्या है? तो देखो जिस टास्क को एग्जीक्यूशन में ज़्यादा टाइम लग सकता है, जैसे कि API कॉल करना, डेटाबेस से डेटा एक्सेस करना या फिर कोई कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन करना, ये टास्क हम असिंक्रोनस से हैंडल कर सकते हैं। इससे हमारा जो भी नेक्स्ट टास्क होगा वो ब्लॉक नहीं होगा। नेक्स्ट टास्क को करंट टास्क का एग्जीक्यूशन कंप्लीट होने तक वेट नहीं करना पड़ेगा। असिंक्रोनस ऑपरेशन के लिए जावास्क्रिप्ट में कुछ मेथड्स अवेलेबल हैं, जैसे कि सेट टाइमआउट, सेट इंटरवल, प्रॉमिस, असिंक अवेट। तो आज हम सेट टाइमआउट एंड सेट इंटरवल क्या होते हैं ये समझेंगे। प्रॉमिस एंड असिंक अवेट को हम आने वाले वीडियो में कवर करेंगे। सेट टाइमआउट मेथड। सेट टाइमआउट मेथड से हम कोई ब्लॉक ऑफ कोड कुछ स्पेसिफिक टाइम के बाद एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। इसका सिंटैक्स कुछ इस तरह का है। इसमें सेट टाइमआउट मेथड के अंदर एक फंक्शन होता है जिसमें हमें ब्लॉक ऑफ कोड लिखना होता है, उसके बाद होता है मिलीसेकंड। हमें ये ब्लॉक ऑफ कोड कितने टाइम के बाद एग्जीक्यूट करना है वो हम यहाँ पर मिलीसेकंड में देते हैं। सेट टाइमआउट मेथड में जो कोड लिखा होगा वो सिर्फ एक ही बार एग्जीक्यूट होता है। इसे हम एक सिंपल एग्जांपल से समझेंगे। जैसे कि अगर हमें हेलो जावास्क्रिप्ट को 3 सेकंड्स के बाद प्रिंट करवाना है तो हम इसे सेट टाइमआउट मेथड में कंसोल करेंगे हेलो जावास्क्रिप्ट, टाइमर लगाएंगे 3000 मिलीसेकंड, फाइल को सेव करेंगे। तो यहाँ पर देखो अब 3 सेकंड के बाद हेलो जावास्क्रिप्ट प्रिंट हुआ। तो इस तरह से हम सेट टाइमआउट मेथड यूज़ कर सकते हैं। अब अगर हमें कोई ब्लॉक ऑफ कोड कुछ स्पेसिफिक टाइम के बाद मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट करवाना है तो वो हम सेट इंटरवल मेथड से कर सकते हैं। सेट इंटरवल के सिंटैक्स में मेथड के अंदर फंक्शन होता है जिसमें हम ब्लॉक ऑफ कोड लिखते हैं, उसके बाद कॉमा लगाकर टाइमर देना होता है। इसे हम एक सिंपल एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे कि सपोज़ हमें करंट डेट एंड टाइम हर 1 सेकंड में प्रिंट करना है तो हम यहाँ पर सेट इंटरवल मेथड में फंक्शन लेंगे। इसमें करंट डेट एंड टाइम के लिए एक वेरिएबल लेंगे, सपोज़ लेट डेट टाइम इक्वल टू न्यू डेट फंक्शन। इससे हमें करंट डेट एंड टाइम मिलेगा। अब इस डेट टाइम वेरिएबल को प्रिंट करेंगे, फंक्शन के बाद कॉमा लगाकर यहाँ पर टाइम सेट करेंगे 1000 मिलीसेकंड, फाइल सेव करेंगे। तो यहाँ पर देखो हर 1 सेकंड में करंट डेट एंड टाइम प्रिंट हो रहा है। इस तरह से हम सेट इंटरवल मेथड यूज़ कर सकते हैं। आई होप आपको सिंक्रोनस एंड असिंक्रोनस में डिफरेंस क्या है, सेट टाइमआउट एंड सेट इंटरवल कैसे यूज़ करना होता है ये समझ आया होगा। ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल बटन पर क्लिक करो ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी, कीप लर्निंग।